और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते हैं नई सी ट्रिक। सर्दियों में नींबू बहुत आता है और नींबू का यूज़ तो हम कर लेते हैं किसी तरीके से, अचार, मुरब्बा या जो भी हम सिरप निकाल के रखते हैं गर्मियों के लिए, शरबत बना के रखते हैं। लेकिन जो छिलके होते हैं उनका क्या किया जाए? या तो उसका कुछ यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका यूज़ आपको बताऊँगी। आज का जो मैं यूज़ बता रही हूँ, जो इनके छिलकों का, बहुत ही लाजवाब है। इन छिलकों से हम बनाएंगे किचन क्लीनर। तो चलते हैं इन छिलकों को हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ मैं गैस पर पानी रख रही हूँ। करीब करीब 1 से 1.5 बोतल मैं पानी की रख रही हूँ एक पतीले में। और ये जो छिलके हैं, करीब करीब 1 किलो नींबू के छिलके हैं, इन्हें हम इस पानी में डाल देते हैं। घर की सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ही बढ़िया क्लीनर बन जाएगा। किचन को साफ रखने में बहुत मदद करेगा। जब मन चाहे किचन को साफ कीजिए इस क्लीनर से। यहाँ हमें कम से कम 8 से 10 मिनट इस नींबू को उबालना है। यहाँ देखिए नींबू उबल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। लीजिए ये नींबू जो हैं पूरे ठंडे हो चुके हैं। इन्हें निचोड़ निचोड़ कर इसी पानी को अलग करते जाइए। नींबू के छिलकों को हमने अलग कर दिया है और ये जो सारा नींबू वाला पानी है इसे हमने अलग किया है। अब इसे एक छन्नी में हम छान लेते हैं। ये देखिए ये नींबू के कोई भी कण इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अब ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है। हम इसे बोतलों में भर के रख रहे हैं। कोई भी अगर आपके पास स्प्रे वाली बॉटल हो तो उसमें भरिए, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं एक तो इसे स्प्रे बॉटल में रख रही हूँ, एक अलग से बॉटल में भर के रख रही हूँ। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, इसे हमें पूरी तरीके से नहीं भरना है। बोतल जो भी हो आपको पौना रखना है। अब ये देखिए जो छोटी बॉटल है उसमें मैंने 1 चम्मच डिश वॉश डाला है जिससे हम बर्तन मांजते हैं, और ये जो बड़ी बॉटल है इसमें मैं 2 चम्मच डिश वॉश डाल रही हूँ। एक ही टाइम में हमारा काफी सारा क्लीनर बन रहा है। 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और जो छोटी बॉटल है उसमें मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। अब ये देखिए नींबू है, पानी है, और इसमें डिश वॉश है, और ये मीठा सोडा है। इसे आप इसकी कैप लगाकर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद जब इसकी झाग जो ऊपर आ गई है थोड़ी कम होगी तो इसे शेक कर दीजिए। शेक करने के बाद इस तरीके से स्प्रे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज़ भी करना बता रही हूँ। जिन छिलकों को हम फेंक देते हैं बिल्कुल बेकार समझकर, उन छिलकों का यूज़ देखिए, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया है। जहाँ भी आपको साफ करना है, किचन का प्लेटफॉर्म, गैस, वॉश बेसिन, इसको आप यूज़ कीजिए। आपकी मर्जी, आपको इसमें डिश वॉश ज़्यादा डालना है या कम डालना है, किस यूज़ के लिए चाहिए वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये साफ़ हो रहा है। इसे आप गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। ये बिल्कुल ही डस्ट फ्री है और ये जर्म फ्री है। आपके हाथों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, सुरक्षित है, आपके हाथों को भी कभी खराब नहीं होने देगा। कांच की तरह हर चीज़ साफ हो जाती है। ये देखिए मेरे हाथों में भी कोई परेशानी नहीं, ये बहुत ही बढ़िया साफ हो जाएगा। जब भी हमारे पास 1.5-1.5 पाव नींबू के छिलके हैं, आप इस तरीके से बनाइए। थोड़ा थोड़ा भी बनाइए, चाहे ज़्यादा बनाकर रख लीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।